करना चाहिए जब दिक्कत हो तब तुरंत नहीं दे जाता है। एक महीना बीत जाए आ रहे हैं भैया के एसडीएम के पास लोगे वो एसडीएम फोन कर ही देगा। अरे कुछ भी क्यों नहीं मानेंगे भाई, आप यहाँ से हो तो हम मानेंगे नहीं, फोन नहीं करेंगे। जी सर, अनामिका शुक्ला के नाम पर भावना काम करने वाली कहाँ की थी और कौन थी? ये अनामिका शुक्ला के अभिलेखों के मतलब फर्जी अभिलेख बनाकर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मुजफ्फराबाद में एक लड़की के द्वारा नियुक्ति प्राप्त कर लिया गया था और यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा वहाँ के ये बताया जा रहा कि इसका मतलब एक बार नाम भावना भी मतलब आया था जांच में, लेकिन यहाँ की वार्डन ने मतलब कुछ नहीं बताया। इनका हमने स्पष्टीकरण मांगा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने एक जांच समिति बैठाई, उसमें इन्होंने स्वीकार किया कि नियुक्ति पत्र इन्होंने सही से नहीं पढ़ा था। बच्चे जब शिकायत करते थे कि मैडम को विज्ञान नहीं आता है तो ये बार बार उसको मतलब नज़रअंदाज करती थी और लिखित रूप में से बीएससी कार्यालय को उन्होंने कुछ भी अवगत नहीं कराया। इस आधार पर जांच समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें इनकी घोर लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है, क्योंकि अगर ये तत्कालीन समय पे ही सब कुछ बता देती तो उस समय ये पकड़ भी जाती और विभाग की छवि धूमिल नहीं होती और जनपद की भी छवि धूमिल नहीं होती। तो जांच समिति के आधार पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदोपरांत इनकी संविदा समाप्त कर दी गई। सर अब तक कितनी सैलरी ले चुकी थी? ये अब तक अगस्त माह से लेके 1,16,316 रुपया प्राप्त कर चुके हैं। सर ये वार्डन ललिता देवी को बर्खास्त किया गया है, इनके ऊपर क्या आरोप था? इनके ऊपर आरोप यह है कि जो नियुक्ति पत्र हमने जारी किया था उस नियुक्ति पत्र में पिता का नाम भिन्न था, ना तो उन्होंने संशोधन के लिए कोई मतलब भेजा कर और ना ही इन्होंने कार्यभार ग्रहण कराने के बाद कोई अनुपालन आज्ञा भेजी और ना ही उस महिला के बारे में जब इनको कुछ संदिग्ध लगा था इन्होंने कोई जानकारी दी, जबकि बच्चे शिकायत करते रहते थे कि इनको विज्ञान की जानकारी नहीं है। और एक बार शायद बैंक में इन्होंने भी खाता भी खुलवा दिया, क्योंकि चूँकि NGO से संचालित है इसका वेतन इनके और वहाँ के अकाउंटेंट के सिग्नेचर से निकलता है, इसमें हम लोगों के सिग्नेचर से नहीं निकलता है। तो अगर ये तत्कालीन समय में सब कुछ बता देती तो शायद मामला स्टार्ट आउट होता और विभाग और जो जनपद की छवि या प्रदेश में बदनाम हुई ये बदनाम नहीं होती। तो प्रथम दृष्टया ये दोषी प्रतीत हुई और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनकी संविदा समाप्त कर दी गई। सर इसमें अभी क्या जांच चल रही है और कोई और भी सामने आ? इसमें अब चूँकि कैंडिडेट के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है तो पुलिस अपना जाँच कर रही है, उनके जो तथाकथित अनामिका बनी हुई थी उसके खिलाफ जाँच की जा रही है। और इसमें अगर विभाग के इसे जो जिला समन्वयक हैं उनकी भी भूमिका होगी तो उनके खिलाफ भी शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा। कार्ड ड्रॉप हो जाए तो उसमें आपकी आवाज़